नमस्कार, आप सभी को हैप्पी दिवाली। और हमारे साथ हैं टीवी स्टार देवोलीना भट्टाचार्य जी, जो आज कर रही हैं लक्ष्मी जी की पूजा। सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच हरी जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। तो तैयारी हो चुकी है यहाँ पर, सबसे पहले बताइए किस तरह की तैयारी हुई है, क्या क्या हुआ है? जैसे कि देख रहे हैं कि दिए हैं हम लोग, डेफिनेटली दिवाली है तो दिए तो लगाएंगे ही, रोशनी का त्यौहार है, लाइट्स हैं, दीप, फ्लावर्स हैं, फ्रेश फ्लावर्स हैं, लक्ष्मी जी गणपति जी की मूर्ति भी है, एंड ऑफ कोर्स मेरे पति देव हैं और ऑफ कोर्स मेरी एंजल हैं, तो हम सब मिलके दिवाली मना रहे हैं। एंजल सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब आपने खुद भी देखा ही होगा, जैसे मैं आके बैठी, आके कूदी मार के गोद में बैठ गई है। सो दिस इज़ लाइक एवरी टाइम स्टोरी, जब भी हम घर पर ऐसा कुछ करते हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि वो अकेले से कहीं पे रहेगी, वो हमेशा साथ में ही आके हम सब कुछ एक साथ ही सेलिब्रेट करते हैं। चलिए, ये दिवाली बेहद ख़ास है क्योंकि ये दिवाली आपकी शादी के बाद पहली दिवाली है, आप दोनों की पहली दिवाली है, कि क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो पसीने पसीने हो रहे हैं, फैन बंद पड़ा है, सब पसीने पसीने सब हो रहे, कुछ बनाया है, मिठाई वगैरह सब कुछ वगैरह सेलिब्रेट किया, पहले से ही प्रिपरेशन किया है 10 डेज से, कि किस दिन क्या करना है, क्या सामान लेने जाना है, किस दिन कौन सा मार्केट लेने जाना है, कभी गोल्ड खरीदना है, कभी सिल्वर, कभी ज्वेलर्स, कभी सब कुछ, कंदील कभी लगा रहा है, लाइट्स कभी लगा रहा है, फ्लावर क्या दादर में जाके फ्लावर लाना है बाबा। कहते हैं ना, यही खुशियों की दिवाली होती है जब सब लोग मिलते हैं और पूजा करते हैं, कितनी एक्साइटमेंट होती है इस दिन की खास? बहुत एक्साइटमेंट होती है, बहुत अच्छा लगता है। बट ये देखिए, एक तो ऑफकोर्स मेहंदी लगाई हुई है, सो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एंड स्पेशली जब आपके पार्टनर आपके साथ होते हैं, आपको पता है आपके एक साथी है जो आपकी मदद भी करेंगे, एंड आपके साथ वो खुशियाँ मनाने के लिए, बोलते हैं ना खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है, तो वैसी वाली बात है कि खुशी बांटने के लिए यहाँ पे कोई है, अपना है, सो वो खुशी हमेशा दुगनी हो जाती है। कहते हैं ना, हर फेस्टिवल आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है, सब देखते हैं आप दोनों को, सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को कितना अच्छा लगता है जब बहुत सारा प्यार मिलता है सब कुछ? हमें भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत वेट करते हैं सब फेस्टिवलों का, और कब कैसे प्रिपरेशन करना है सब प्लानिंग से पूरा एक्सपेक्ट। पर ये सबसे ज़्यादा वेट मकर संक्रांति और होली का करता है, बिकॉज ही एंजॉयज बोथ, लाइक बोथ ऑफ देम, लाइक होली और मकर संक्रांति। ओके, तो चलिए लक्ष्मी जी की पूजा की शुरुआत करें। जी बिल्कुल। तो फाइनली पूजा भी हो गई, सब कुछ हो गया, दिल से क्या मांगा? दिल से यही मांगा है, आई अंडरस्टूड वन थिंग इन लाइफ, कि आखिर में लोग कितना भी कुछ भी कर ले, बट आखिर में उनको खुश रहना ही अच्छा लगता है, उनको सुकून अच्छा लगता है, कि बिना कुछ सोचे पीसफुल एक लाइफ बिताएं, विच इज़ वेरी हार्ड इन टूडेज टाइम, बिना स्ट्रेस के रहना, एक बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक सबको स्ट्रेस रहता है, सो सबको एक स्ट्रेस फ्री लाइफ दे एक्सपेक्ट बट दे डोंट गेट, सो मैं वही चाहती हूँ भगवान से कि हमारी जो ये लाइफ है जो हमने शुरू की है, इसमें हमेशा यू नो शांति रहे, सुकून रहे, खुशियाँ हमारी जो है वो हमेशा बढ़ती जाए। लोग बोलते हैं कि मोस्टली खुशियाँ थोड़ी यू नो कम होती जैसे जितने मैंने सुने हैं पीपल टॉक अबाउट कि नहीं शादी नहीं करनी चाहिए, नहीं, मैं जब तक नहीं की थी तब तक मुझे भी ऐसे ही लगता था, बट देन जब से मैंने शादी की है तब से मुझे लगता है कि हर किसी को लाइफ में अगर एक अच्छा पार्टनर मिले, एक बैलेंस पार्टनर मिले, देन आई गेस लाइफ इज़ गुड। मे बी बहुत लोग मजाक भी करते हैं, बट देन अगेन एट द सेम टाइम जिनके साथ एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती हैं, सो आई रियलाइज कि एक अच्छा पार्टनर, एक सपोर्टिव पार्टनर अगर आपके साथ है तो आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है इन टर्म्स ऑफ एवरी थिंग, लाइक हैप्पीनेस हो, पीस हो, फन हो। सो अभी बाहर ये तो मुझे खुद बोलता है कि हर जगह पर जाने के लिए तुझे मैं ही चाहिए क्या, बट देन आई एन्जॉय हिज कंपनी, तो इसके लिए मैं कहीं पर भी जाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो यू नो आई जस्ट आस्क हिम कि थोड़ा टाइम निकाल ले, चल ले, लाइक टू डेज बैक हम लोग फ्लावर मार्केट गए थे दादर,
इट्स जस्ट नॉट मेडिटेटिव, इज लाइक मैं इधर से ले आऊँगा, मैंने कहा मुझे जाना है तो तू जाना फिर, लाइक आई हैव वन ब्रदर ऑल्सो यहाँ पे तो तू उसके साथ जाना, मैंने कहा नहीं नहीं तू भी चल, तू भी चल, तू रहता है तो हमें अच्छा लगता है. सो यू नो लाइक बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बट देन हाँ, बट देन यही सारी चीज़ें होती हैं आई गेस. दैट इज़ हाउ यू फील दैट यू आर देयर फॉर ईच अदर नो मैटर वॉट. आप कितने भी बिजी हो, कुछ भी हो, आप टाइम निकाल लेते हो. एंड दैट्स हाउ आई वॉन्ट फॉर एवरी वन, कि हर किसी के लाइफ में ऐसे ही एक यू नो हैप्पीनेस, एक पीसफुल लाइफ हो. जो भी स्ट्रेस तो रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट देन आपके साथ अगर कोई ऐसा हो जिसके साथ आप वो स्ट्रेस बांट के, वो स्ट्रेस अगर आप कम कर सकते हो, आई गेस दैट इज़ ब्लिस. दिवाली अगर बात करें तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? दिवाली मीन्स दिया, लाइट्स, रोशनी, रंगोली. मुझे इतना पसंद है दिया, रंगोली एंड स्पेशली मिट्टी के जो दिए होते हैं, मुझे बहुत पसंद है. आई लव इट. मतलब हमारे बचपन में भी घर पे हमने इतने लगाए हैं, तो आज भी हम लोग मार्केट जाते हैं तो ऑफकोर्स मिट्टी के दिए लाते ही हैं. एंड दैट्स हाउ यू नो वी सपोर्ट देम ऑल्सो सम हाउ, यू नो, जिनसे हम लेते हैं, क्योंकि साल भर में आई गेस दिवाली इज़ द टाइम उनकी भी दिवाली सेलिब्रेट होती है. एंड इज़ द टाइम जहाँ पे वो पूरे साल की मे बी यू नो एक होप लेके आते हैं कि उनकी चीज़ें जितनी होती हैं दिवाली के टाइम पे, तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम. सो घर पे लगाना भी अच्छा लगता है, देखना भी अच्छा लगता है. इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. आप जब मिट्टी के दिए अच्छे से लाइन से लगाते हैं, इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल. एंड उनकी भी दिवाली अच्छी हो जाती है. सो येस, द फर्स्ट थिंग आई थिंक अबाउट इज दिया एंड रंगोली. और आप, हालांकि लड़कों के दिमाग में दिवाली मतलब धमाका. दिवाली मतलब हाँ, धमाका, बॉम्ब फोड़ो, स्वीट्स खाओ, एंजॉय करो. फ्रेंड्स के साथ में नहीं करता है वो, ना बम फोड़ता है और ना मिठाई खाता है, कुछ नहीं करता है, बस बोलने के लिए बोल रहे हैं अभी. जो भी फैंस आपको देख रहे हैं, क्योंकि बहुत इंस्पायर भी होते हैं आपसे, आपके सब चीज़ों को देख करके बहुत खुश भी होते हैं, उनके लिए कोई उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखो, मिठाई खाने की बात है तो प्लीज़ जी भर के खाओ, क्योंकि मैं भी खाने वाली हूँ. भले मुझे कितना भी मना करे, मैं फिर भी ये नहीं खाएगा तो क्या हुआ, मैं तो खाऊंगी. हाँ, हालांकि हम लोग पटाखे बम नहीं फोड़ते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है. आई डोंट नो अबाउट हिम कि ये पहले कैसे थे, बट आई गेस जब से इन्होंने एंजल को देखा है, या जिस तरीके से ही सीज इट प्रैक्टिकली हमने देखा है, कि द वे शी गेट्स स्कैर्ड, द वे शी यू नो रन्स यहाँ से वहाँ भागती रहती है, तो हमें बहुत तो हमें रियलाइज हुआ है कि बाहर जो होते हैं उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी. सो हाँ, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा नॉइज वाले नहीं फटाके फोड़ते हैं, बट हाँ बाकी फुलझड़ी, अनार, चक्री, मतलब वो फेस्टिवल ही नहीं है. हर जगह हैप्पीनेस होना चाहिए, हर एक किसी को शांति होना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ओके, सो क्या कहना चाहेंगे? इस बार जो दिवाली हुई है, धमाका सबकी लाइफ में हो, सबकी लाइफ में खुशियाँ हो, रोशनी हो, सब कुछ खुशियों का धमाका हो एक्चुअली सबके लाइफ में, कि खुशियों से हैप्पीनेस भर जाए. और जो ये आने वाला साल है आप सबका, वो बहुत इससे भी जो यू नो दुगनी अच्छी हो, जो पिछले साल आपका गया उससे दुगना ये साल सबके लिए अच्छा जाए. आई विश यू एवरी वन यू नो अ प्रॉस्परस न्यू ईयर, पीसफुल एंड हैप्पीनेस, सबकी लाइफ बेटर होती जाए. एक बार जो भी देख रहे हैं उनके लिए जोर से हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली.